तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम सैलून में हैं और आज हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं जो मैंने पिछले 5 सालों से नहीं किया। तो मैंने अपना भी चेहरा जो है पिछले 5 सालों से देखा नहीं है, बिकॉज बियर्ड जो है ये 5 सालों से एज इट इज़ है जो मैं मेंटेन कर रहा था। बट आज मैंने और हमारे हेयर ड्रेसर ने डिसाइड किया है कि आज हम क्लीन शेव ट्राई करने वाले हैं। सो आफ्टर 5 ईयर्स आई एम गोइंग टू डू दैट। सो कैसा लगने वाला हूँ मैं आप अभी लाइव देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इनफैक्ट अभी हमारे पास मुस्टैच बची हुई है, तो इसके बाद अभी ये भी हटने वाली है। और राइट, अभी आपने रेट्रो लुक दिया हुआ है, अभी भी देख सकते हैं इन्होंने मेरे को रेट्रो लुक दिया हुआ है। यहाँ से एकदम रेट्रो रखेंगे नहीं। सो वी आर गोना चेंज दैट टू कंटिन्यू करो ये हटाओ पहले चले। तो अभी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे इसकी। अब आप तो फोटो ले सकते हैं, एक फोटो ले रहे हैं। ऑलराइट, सो आई टुक मल्टीपल फोटोज इन दिस रेट्रो लुक। थोड़ा कॉबॉय जैसा लग रहा हूँ अभी मैं, बट इसके बाद मैं सीधा कम से कम 10 साल छोटा लगने वाला हूँ, जितनी मेरी एज है शायद उससे भी। मैं इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, इवन मैं भी इमेजिन नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। आधी पूछ रखना, आधी रखना, ठीक इसे भी मत रखो पहले, रुकना रुकना रुकना। अभी हम ये रखते हैं, यू सी दिस। अगर इन्होंने मेरा बाई चांस कर दिया होता ऐसा तो इनका तो मर्डर कैसा होगा। अच्छा एक और चार्ली चैप्लिन भी ट्राई कर लेते हैं, इसे इधर और हटाओ, इधर और हटाओ। हाँ वो चार्ली चैप्लिन होता है बीच बीच बीच, वो भी देख लेते हैं कैसे लगे। Imagine this. Oh my God, ये तो चार्ली चैप्लिन से भी बुरा है यार, हटा दो इसे। चलो तो अभी चेहरा तो क्लीन हो चुका, सो यू कैन सी द फेस नाउ, दिस इज द रियल फेस। बट अभी बस शेव होना बाकी है, बट अभी रेट्रो लुक है मेरा यहाँ पे, तो आप कल में देख सकते हो। अभी इन्हें भी ठीक करते हैं एंड देन आई शो यू द प्रॉपर स्टाइल।
सो अब इसके बाद का जो लुक है दैट आई विल शो यू एट होम एक बार तैयार होने के बाद, सो तभी फाइनल लुक आएगा। सो टिल द टाइम सी यू गाइस, घर पे मिलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी मैं जब घर जाऊंगा तो घर पे मैं अपना मास्क नहीं उतारूंगा, आई स्ट्रेट अवे गो टू माय बेडरूम एंड देन बेडरूम में जाने के बाद व्हेन आई चेंज उसके बाद मैं सबको अपना चेहरा दिखाने वाला हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी एवरीबडीज रिएक्शन। तो अभी हम घर पहुँच गए हैं। आओ जी आओ, वेलकम। मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा अदरवाइज शक हो जाएगा सबको। सो घर आ गए हम। लेट मी जस्ट प्रेस द हाँ खोला हूँ मैं जी। तो यहाँ तक का तो मिशन सक्सेसफुल हो गया। सो आई एम इन माई रूम एंड किसी ने अभी ध्यान नहीं दिया एक्सेप्ट अ मेड, तो एक मेड ने ध्यान दे दिया ऑलरेडी। आई नीड टू जस्ट ओपन, वेट फॉर अ व्हाइल एवरीबॉडी। अरे वेयर आर द कीज। सो वाइफ इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, वाइफ घर पे नहीं है। तो थैंक यू। चलो अगेन, अभी मेड नहीं देखा तो आई गॉट द कीज, मम्मी ले जाती हैं सफाई कराने के बाद। सो आई विल जस्ट एंटर इन द ऑलराइट। सो मैं बंद कर लेता हूँ, अभी नोबडी नोज कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, क्या रिएक्शन होगा सबका, अभी किसी को पता नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो, सो आई एम इन अ वॉशरूम राइट नाउ एंड अब आई विल चेंज एंड उसके बाद तैयार होने के बाद आई विल शो एवरीबॉडी आर न्यू लुक। तो वेट फॉर 10 मिनट्स, रेडी टू लीव फॉर द ऑफिस नाउ एंड अभी सबका रिएक्शन देखना है बिकॉज किसी ने मुझे देखा नहीं है ऐसे। एंड अभी जाके सबका जब मैं रिएक्शन देखूंगा आई विल गेट टू नो कि लोगों का क्या मानना है, क्योंकि सब शॉक होने वाले हैं। इनफैक्ट अभी मम्मी पापा का रिएक्शन देख लेंगे कि उनका रिएक्शन क्या आने वाला है। सो आज वाइफ नहीं है घर पे, वो कल आएगी। सो व्हेन शी अराइव लेट सी हर रिएक्शन। तो कल उनसे मिलके देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है बिकॉज उसने तो मुझे देखा हुआ है खैर क्लीन शेव में, बट उसकी फैमिली में किसी ने नहीं देखा हुआ। सो इट विल बी अ वेरी न्यू एंड वंडरफुल रिएक्शन। अब बिल्कुल शांत रहेंगे बिकॉज नीचे जाके आई मेक यू सी द रिएक्शन ऑफ माई पेरेंट्स। मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है घर में बिकॉज आई जस्ट गॉट रेडी टू लीव फॉर द ऑफिस। सो 1 2 3 आई ओपन द डोर एंड आई बी क्वाइट। क्या चेंज हो गया? शेविंग कर ली। अच्छा क्या हुआ, कैसा लग रहा है? सकली चेंज हो गया। पापा का क्या हुआ? इसकी आवाज में ना क्या कह रही है, लग नहीं रहा। मैं पुष्कर हूँ क्या बात कर रहा है, उसने तो देख लिया था मुझे। तूने पहचान लिया था? है तूने क्या नहीं पहचाना था? नहीं पहचाना था गंजी? पहचान में आ रहा हूँ। क्या हो गया, क्यों बना लिया?
सही नहीं लग रहा? सही तो लग रहा है उसकी भी बात नहीं, लेकिन बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल एक तरीके से क्या? 20 साल अच्छा, 5 साल 6 साल उम्र कम हो गई, ज्यादा कम हो गई? नहीं इतनी तो, ये तो है नहीं कि 14-15 साल का होगा, लेकिन आप 20-21 साल का हो गया। अच्छा क्या करवा दिया तुम? क्या हो गया? आप निकले तो वहीं से थे, मैं बैठा था ठीक है। हाँ लेकिन पर आपने इतना गौर नहीं किया। हाँ मुझे पता था आप ऐसे करके फोन पे करते होंगे। हाँ। अभी मैंने नहीं पहचान पाया आपको ठीक है, अभी मैं बैठा हुआ था, आप अभी भी नहीं पहचान पाए? नहीं आपने जब बात किया ना तब आवाज से पता चला। नहीं अभी मैं यहाँ पे बैठा था तो मैंने बात किया तब आपको पता लगा मैं हूँ, वरना आपको क्या लग रहा था? मैंने देखा, मैंने कोई आ गया, मैं कोई गेस्ट वेस्ट आ गया हूँ। बोला अभी भी नहीं आपको समझ आ रहा था कौन है? नहीं मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना इतना। नहीं अभी सगल पता चल रही कुछ करी है मुझे पता लगा कि क्या हो गया। कोई नहीं कुछ नहीं आ रहे तो आ जाएंगे घर। नहीं ऐसे ठीक नहीं लग रहा। नहीं ठीक लग रहा है ऐसा, मैंने तो जब से आया हूं तब से आपको देखा नहीं ऐसे। हां ठीक है, तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है, एक दो दिन में एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। एक दो दिन में थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, थोड़ी 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 आ भी जाएगी ना। 5 साल से मैंने अपने आप को नहीं देखा ऐसे। चलो ठीक है, के कर क्या हो गया? डांस कर रहा है, डांस कर रहा है। हुआ क्या? इसको फोन कर, किसको दिखा रहे हो? पहले बता कैसा लग रहा भैया? मेरी वीडियो यूनिक है। क्या कर रही है ये आंटी? क्यों क्या हो गया? हंस क्यों रही है? क्या हो गया तेरे को? सदमा से कैसे लग गया ये? हैं? क्या करा लिया आपने? नहीं सर हंस क्यों रही है? भाभी आएंगी ना, भाभी आपको देखेंगी वो कहेंगी ये मेरा पति नहीं है, कोई और है ये। सही में चेंज लगूंगा? बच्चे लग रहे हो आप छोटे। और विस्तार आपके कुछ विशेष टिप्पणी? ऐसे लग रहा आवाज भी चेंज हो गई, चौक हो गया। क्या हो गया? तू उतार पहले, इसकी भी करानी चाहिए थी। क्या हो गया? किसका नहीं है, किसका बच्चा हो गया ये? यही चीज है या कोई और है? नहीं ऐसे लगते हैं मूवीज में दिखाते हैं ना, कोई ओरिजिनल होता है फिर उसको डुप्लीकेट आ जाता है।